स्वागत है। आज हम सूरदास के विनय भक्ति पद की व्याख्या समझेंगे। पहला पद है, आज हूँ हाँ एक एक करी तरी हूँ। कि इस पद की व्याख्या हम शुरू करें उसके पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि सूरदास जी यहाँ पर अपने आराध्य को अपने मित्र के समान समझ रहे हैं और वैसे ही स्थान पर रखकर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। और विनय का अर्थ होता है नम्रता, लेकिन इस पद में हम देखेंगे कि नम्रता भक्त की नहीं भगवान की रूप में नम्रता है। कि उनका भक्त जो उन्हें अपना मित्र मान रहा है वो कितनी उद्दंडता से उनसे बात करता है, लेकिन प्रभु का विनय, प्रभु का आशीर्वाद वैसा ही बना रहेगा यह भक्त अच्छी तरह जानता है। इसीलिए आज वह मित्र प्रभु के सामने अपने कर्मों की क्षमा मांगने के लिए आया है और उसे पूरा विश्वास है कि भगवान के पास से उसे जरूर क्षमा मिलेगी। और वह हट करता है कि मैं तब ही यहाँ से हटूंगा जब प्रभु मुझे हंसकर पान का बीड़ा देंगे। तो यहाँ पर हम पद की व्याख्या शुरू करते हैं कि आज वो हाँ एक एक करी तरी हूँ। कि आज तो मैं भगवान तुम्हारे चरणों में आ गया हूँ और एक एक बात का हिसाब करके ही यहाँ से हटूंगा। टरी हो मतलब टलूंगा, हटूंगा या जाऊंगा। आगे भी कहते हैं कि के तुम ही के हम ही माधव अपन भरोसे लड़ो। और वे कहते हैं कि मैं आज अपने भरोसे लड़ने के लिए आया हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि ये कितनी सुंदरता से भक्त कहता है कि चाहे तुम जीतो या मैं जीतूं, या हम ही माधव मतलब मैं ही भगवान बन जाऊं या मैं ही जीत जाऊं, भला मेरा ही होने वाला है। वह कहता है कि यहाँ से आज मैं एक एक बात का हिसाब करके जाऊंगा, इसके लिए आज अपने भरोसे ही आपसे लड़ने आया हूँ। इसमें या तो आपकी जीत होगी या मैं जीतूंगा, और दोनों में मेरा ही भला होगा। आप चाहो तो मुझे धक्का देकर भगा दो या मुझे सजा दे दीजिए, दोनों में ही मेरा भला है। आज फैसला हो ही जाएगा। आगे की पंक्ति है, हाउ तो पतित सात पीढ़ी को पतित कवै निस्तरी हम। आगे वे बोलते हैं कि मैं तो आज का पतित नहीं, मैं आज का पापी नहीं, मैं सात पीढ़ियों से पाप करता आ रहा हूँ और आज सात पीढ़ियों के बाद आपको मेरे पापों का नाश करना होगा, मुझे निस्तारी हूँ अर्थात मेरा उद्धार करना होगा। और आप तो पतितों के पावन हो, आप तो पतितों का पापियों का उद्धार करने वाले हो और उसी नाम से जाने जाते हो, और मेरी सात पीढ़ियाँ पाप करती आ रही हैं, आपने उन्हें सजा नहीं दी, उनका उद्धार नहीं किया, यह बात आज आपको इसका फैसला कर देना होगा। अब हाँ घिरो नाचो चाहत हो। अभी बोलते हैं कि अगर अब यहाँ आप देखते हैं कि भक्त अपने आराध्य को धमकी देता है कि अगर आपने आज मेरा उद्धार नहीं किया तो अब तो मैं नंगा होकर नाचूंगा, अर्थात मैंने जो कुछ किया है, जो जो बुरे कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, वो सब दुनिया के सामने बता दूंगा और तुम्हें विरद बिन करी हूँ। और तुम्हारी जो नेक नामी है, तुम्हारी जो कीर्ति है, यश है, वो सब मैं मिट्टी में मिला दूंगा, अन्यथा आप मेरा उद्धार कीजिए, मुझे पाप मुक्त कीजिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि वह किस तरीके से भक्त अपने आराध्य को धमकी दे रहा है कि मैं आपको आपकी नेक नामी खत्म कर दूंगा, मैं नंगा हो जाऊंगा, अर्थात मैं सारी सच्चाई बता दूंगा कि मैंने क्या क्या पाप किए हैं और मैं तुम्हारा भक्त हूँ। तो लोग क्या कहेंगे कि भगवान का भक्त होकर वे ऐसे पाप करता है और भगवान ने उसे सजा नहीं दी, अर्थात आप मुझे पाप मुक्त कर दीजिए वरना मैं आपकी नेकनामी खत्म कर दूंगा, आपका यश समाप्त कर दूंगा। अर्थात भक्त अगर नंगा हो जाएगा तो वह भगवान को भी बदनाम कर देगा। इस प्रकार भक्त अपने आराध्य को धमकी भी दे रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रभु का ही विनय प्रदर्शित होता है। अगली पंक्ति है, कत अपनी परदीति नसावत मैं पायो हरि हीरा। और आगे वह उनको सलाह भी देता है कि आप मेरा उद्धार करो, क्यों अपनी कीर्ति है उसको नाश करते हो, उसको नष्ट करते हो, क्यों अपनी कीर्ति अपने ही हाथों
खराब करते हो प्रभु। मैंने तो आपको पाया है एक हीरे के रूप में, आप तो हीरा है। आप मेरे पापों को जल्दी से माफ़ कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए और अपनी कीर्ति जो है, अपनी जो प्रसिद्धि है, उसे खत्म मत कीजिए। आगे की पंक्ति है, सूर पतित तब ही उठी हैं प्रभु जब पसीदी हो वीरा। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि मैं पतित हूँ, सूर पतित है, पापी है, और मैं पापी प्रभु के चरणों में से तब ही उठूँगा, तब ही हटूँगा जब प्रभु हंसकर मुझे बीड़ा देंगे, पान देंगे, अर्थात पान देंगे अर्थात वे उसे माफ कर देंगे। तो अंत में वे प्रभु के सामने एकदम समर्पित हो गए हैं कि अब मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ, आपको मुझे माफ़ करना ही होगा और माफ़ी के लिए आप मुझे हंसकर पान का बीड़ा दे दीजिए, मैं समझ जाऊँगा कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु का भक्त कितना उद्दंड हो जाता है और प्रभु की विनम्रता यहीं पर दिखती है कि हर पापी को भगवान माफ कर देते हैं, यही प्रभु का हृदय है। आगे हम इस पद की विशेषता देखेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि विनय शब्द का अर्थ होता है नम्रता, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि भक्त भगवान पर जोर जबरदस्ती कर रहा है, माफ़ी भी बहुत कठोरता से मांग रहा है। और यहीं पर भगवान का विनय दिखाया गया है कि भक्त मूर्ख होता है तो वह इस तरह की बात करता है, लेकिन भगवान विनय से सब कुछ सुन रहे हैं क्योंकि भक्त भगवान को मित्र मान रहा है और इस संबंध में कोई औपचारिकता नहीं है। मित्र से, प्यार से, दुलार से लड़कर झगड़ा करके भी अपनी बात मनवा लेने का स्थान होता है। वैसे भगवान से भक्त उद्धार करने को कहता है और वह अपना कच्चा चिट्ठा भी उनके सामने खोलने को तैयार हो जाता है कि मैं सबको बता दूंगा कि मैं आपका भक्त होकर इतना पाप कर चुका हूँ और तब भी मैं आपके चरणों में हूँ, लोगों के सामने आपकी कीर्ति खत्म हो जाएगी। और उसे विश्वास है कि इस तरह से जिद करके वह अपने भगवान से माफ़ी मांग लेगा, अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार इस पद की व्याख्या और विशेषता पूरी होती है। और आप देख रहे हैं यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ भी हैं और इसके साथ ही हमने यह पद पर आधारित कुछ एक अंकीय प्रश्नोत्तर भी तैयार कर दिए हैं और जिसके उत्तर एक वाक्य में या एक शब्द में लिखने होते हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखें, समझें और ये जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको व्याख्या को और अच्छी तरह समझने में भी सहायता करेंगे। अगले पद की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे।